फ्रेंड्स माय न्यू चैनल वाईफाई विपुल सा भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सूर्य मंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों बड़े दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़बरदस्त खबर तो मुझे लानी पड़ेगी दोस्तों, और आपका प्यार ही हमें आगे ले जाता है दोस्तों यहाँ पे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप चैनल पे अगर नए हैं और डिश की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को थोड़ा लाइक दे दीजिए, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन लाता हूँ दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे डिश टीवी का जो जिंक डिजिटल वाला बॉक्स है उसकी बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लाए हो और नई अपडेट लाए हो। जी हाँ फ्रेंड्स, नई अपडेट ये है दोस्तों यहाँ पे कि कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पे बदल चुके हैं, यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करने वाले। और दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी अपडेट है यहाँ पे जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है अगर आप जिंक डिजिटल वाला बॉक्स ख़रीदना चाहते हैं तो। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं डिश टीवी का ये जिंक डिजिटल वाला बॉक्स आपको क्या क्या देने वाला है और क्या क्या नहीं देने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या इसमें मिल रहा है और ये बॉक्स कैसा है वो देख लेते हैं। चलिए इसको पहले तो खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिमोट आता है, इसके अंदर एक केबल आता है और बॉक्स इसका इस तरह का है दोस्तों, देख सकते हैं। स्क्रीन पे भी मैं चला के दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा ये बॉक्स कैसा है। छोटा सा बॉक्स है दोस्तों, और यहाँ पे अपडेट में ये है दोस्तों यहाँ पे कि जिंक डिजिटल ने दो बॉक्स निकाले। जी हाँ फ्रेंड्स, एक तो मैं यहाँ स्क्रीन पे चला के दिखा रहा हूँ, वो एक ये पुराना बॉक्स है दोस्तों, देख सकते हैं। तो आपको ये बॉक्स नहीं लेना है दोस्तों। आपको कौन सा बॉक्स लेना है दोस्तों? ये वाला जो मेरे हाथ में है और ये दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ जो नया बॉक्स है वो आपको लेना है, क्योंकि ये बॉक्स आगे के बॉक्स से बेटर और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी देगा दोस्तों। इसमें HD बॉक्स आने वाला है, उसकी अपडेट में आए अगले वीडियो में देने वाला हूँ, तो अगला वीडियो भी मेरा आप ज़रूर देखें। पर यहाँ पे बात कर लेते हैं ये बॉक्स क्या है और क्या क्या देता है आपको, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे पावर एडेप्टर दिया गया है, इतनी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, वो भी कितने रुपये में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कोई भी दुकान पर जाते हैं तो 1000 से 1200 रुपये तक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है और माल बहुत ही कम निकल रहा है यहाँ से, तो कुछ कुछ दुकान पे आपको मिल जाएगा और कुछ दुकान पे नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों 1000 से 1200 रुपये में आपको मिल सकता है ये बॉक्स। पास की अगर दुकान बड़ी होगी तो आपको 950 रुपये तक भी आपको मिल सकता है दोस्तों। तो ये कीमत की बात हो गई, अभी इसकी फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिंक डिजिटल बॉक्स DD फ्री डिश वालों के लिए एक वरदान है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो दोस्तों अपडेट में ये चीज़ है कि यहाँ पे पहले तो ये बॉक्स नया अच्छा आया है दोस्तों, तो यही बॉक्स आप खरीदिए। इसका जो सीरियल नंबर है वगैरह भी मैं चला, बॉक्स का नंबर है वो भी मैं यहाँ स्क्रीन पे चला के दिखा रहा हूँ। और दूसरी अपडेट, जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर सोनी पल, स्टार उत्सव, GNMOL और वगैरह 8 चैनल जो DD फ्री डिश में बंद हो गई थी वो इसमें चलेगी। ये तो पहले से ये चल रही है दोस्तों, पर इसके अंदर कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी है। 8 चैनल जो DD फ्री डिश में बंद हो चुकी है, उसमें पहले क्या फॉर्मूला था जिंक डिजिटल का दोस्तों, के पहले आपको इसका 1 रुपया पे करना था और प्लस 5 रुपया नेटवर्क फी भी पे करनी थी, ये फॉर्मूला था पहले। पर अभी इसमें ये जो 8 चैनल आती है उसमें उसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना है दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 8 चैनल बिल्कुल ही फ्री में 2 साल तक चलती रहेगी। पर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों कि आगे कोई भी चैनल ऐड करना चाहते हो दोस्तों तो उसका अलग से पे करना है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अभी। कि ये तो हो गया जो फ्री वाली चैनल है उसका पैसा नहीं भरना है दोस्तों, तो ये अच्छी बात है। 230 चैनल जो आती है उसके अंदर ही आपको 50 रुपया पर मंथ पड़ने वाला है समझ लो, और पूरे 2 साल तक बिल्कुल फ्री चलेगा। तो ये हो गई एक नई अपडेट। तो दोस्तों इसका एड ऑन का फॉर्मूला समझ लेते हैं। अगर आपको कोई भी चैनल अंदर ऐड करनी है तो इसका अलग से पैसा हम डाल के ऐड कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं।
इसके फॉर्मूले में भी क्या है दोस्तों, पहले ज़्यादा पैसे जा रहे थे, अभी कम पैसे जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला किस तरह से काम करता है वो समझ लीजिए। थोड़ा थोड़ा मैं स्क्रीन पे भी चला के दिखा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाए कि ये चीज़ अच्छी है या आपके लिए है या आपके लिए नहीं है। दोस्तों ये डिश फ्री डिश वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फ्री डिश वाले क्या है, सोनी पल्स है, स्टार उत्सव है, रिश्ते कलर्स है और जी अनमोल है। इसके लिए ज़्यादातर चैनल ज़्यादातर देखते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो अगर आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको छोटी छोटी चैनल लेनी है यानी कि कम पैसों वाली, जैसे कि पोगो हो गया, कार्टून नेटवर्क हो गया, डिस्कवरी हो गई, वो चीज़ क्या है 5 रुपये के अंदर की है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसकी कॉस्ट 5 रुपये के अंदर है। जो भी चैनल 5 रुपये से अंदर है तो दोस्तों समझ लीजिए उसके अंदर नेटवर्क फी 5 रुपये लगेगी। समझ लीजिए, ये स्क्रीन पे भी मैं चला के दिखा रहा हूँ। अगर आप बड़ी चैनल लेना चाहते हैं जैसे कि स्टार प्लस है, सोनी है, कलर्स है, सोनी सब है, तो वो चैनल आपको उसकी कॉस्ट 22 रुपया यानी कि 22 है, तो उसके अंदर आपको नेटवर्क फी 10 रुपया लगने वाली है। तो मतलब समझ लीजिए कि वो चैनल आपको 32 रुपये में पड़ने वाली है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला ये है कि 5 रुपये के अंदर की चैनल जो भी होगी उस पर 5 रुपये नेटवर्क फी लगने वाली है, और 5 रुपये से ऊपर वाली, 5 रुपये से ऊपर वाली कोई भी चैनल होगी तो उसको उसमें नेटवर्क फी 10 रुपया लगने वाली है। तो अगर आप कम चैनल देखना चाहते हो दोस्तों तो ये चीज़ आपके लिए काम की है। अगर आप ज़्यादा चैनल देखना चाहते हो तो फिर आपको ये जिंग डिजिटल वाला बॉक्स बेटर नहीं है दोस्तों, आपको डिश टीवी का ये बॉक्स लेना चाहिए 7000 HD। अभी इसमें भी स्कीम चल रही है, मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया है दोस्तों, तो वीडियो ज़रूर देखिए कि सबसे बेस्ट बॉक्स कौन सा है। तो ये आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी, और इसमें अभी स्कीम चल रही है दोस्तों। अगर आप 6 महीने का रिचार्ज करवाते हो दोस्तों तो ये बॉक्स बिल्कुल फ्री है। तो बहुत ही बढ़िया बॉक्स है दोस्तों, डिश टीवी का सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे बेटर क्वालिटी वाला बॉक्स है दोस्तों, जो पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी देगा और सराउंड निकालने वाला है, मतलब कि होम थिएटर के लिए भी बहुत ही बढ़िया बॉक्स है दोस्तों, अगर आप होम थिएटर के शौकीन हैं तो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा थोड़ा बताते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिए। ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जानकारी देता हूँ मैं, तो ये कुछ DD फ्री डिश वालों के लिए तो ये वरदान रूप ये बॉक्स है दोस्तों। तो इसके साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।